हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस गाइस। आज हम खेलने वाले हैं GTA 5। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई पिछली वीडियो में भाई क्या रोबरी हम लोगों ने की थी, क्या तगड़ी रोबरी की थी भाई। इस टाइम पे भाई तो सारी रोबरी तो जो लेस्टर के पास है। लेस्टर भाई कोई पार्टी को ढूंढ रहा है कि भाई उसको सेल कर सके वो किसी पार्टी को, और फिर कैश मिल जाए अपने को। तो भाई अपने को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा, जिसका जिसका जो भी रहेगा हिस्सा। तो भाई फ्रैंकलिन का भाई अभी मुझे फ़ोन आया था। भाई फ्रैंकलिन अभी इस टाइम पे लॉस एंजेलिस में है नहीं भाई, पर भाई फ्रैंकलिन ने मुझे काम दिया है भाई। काफ़ी रिस्की भी समझ लो, या तो फिर समझ लो कि रिस्क तो रहता है भाई किसी चीज़ को करने में। तो भाई फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि भाई एक कार है, जो यहाँ पे एक रेसलर रहता है उसके पास एक बहुत अच्छी सी सुपर कार है भाई, और काफ़ी तगड़ी सुपर कार है, और भाई काफ़ी महंगी भी है वो। तो भाई फ्रैंकलिन ने बोला कि अगर हम लोग उस कार को चुरा लेते हैं भाई, तो उसके बेच कर भाई काफ़ी अच्छे पैसे हम लोग के पास आ जाएंगे, तो क्या करा जाए। तो भाई फ्रैंकलिन ने बोला कि अगर वो चुरा लेते हैं भाई उस कार को, तो भाई अपने पास पैसा आ जाएगा। और फ्रैंकलिन भी इस टाइम पर कंगाल चल रहा है, उसके बाद भी पैसा नहीं है। तो फ्रैंकलिन ने बोला कि अगर हम लोग उसको निकाल लेंगे भाई वहाँ से, किसी चुरा लेंगे, तो भाई उसको किसी को अच्छी किसी को बेच देंगे, और बेच के भाई अपने पास काफ़ी पैसा आ जाएगा। अगर $20 मिलियन की कार है, तो भाई कम से कम 15 या 10 मिलियन तो शायद मिल ही जाए भाई, क्योंकि भाई काफ़ी सुपर कार है और काफ़ी लग्जरी एक कार और महंगी कभी कार है। तो भाई अब फ्रैंकलिन ने बोला, तो भाई देखो माइकल अपना रेडी हो चुका है एकदम भाई, मास्क वास्क लगा के, क्योंकि भाई काफ़ी रिस्की काम करने जा रहा है। तो भाई और भी मज़े बात ये बताई है फ्रैंकलिन ने कि भाई इस टाइम पर रेसलर अपने घर पे है भी नहीं, वो भाई बाहर गया अब अपने रेसलिंग कॉम्पिटिशन के लिए। तो फ्रैंकलिन ने बोला कि वो कल आ जाएगा, अगर हम लोग उस कार को आज ही चुरा लेते हैं, तो भाई ये काम तुम कर दो, आज ये कार किसी तरह से चुरा लो, और भाई चुरा लेते हैं तो भाई उसे बेच के भाई पैसा मिल जाएगा। और भी माइकल के पास भी पैसा भी नहीं है, और जो भाई रॉबरी की थी उसका भी अमाउंट अभी हम लोग को मिला भी नहीं है। तो भाई आज उस कार को चुराते हैं, फ्रैंकलिन ने भाई बोला है। और फ्रैंकलिन बोला था कि अगर मैं भी होता तो मैं भी साथ में चलता, वो चुराता, दो दो लोग एक से दो भले हो जाते भाई, तो दो लोग होते तो भाई काफ़ी काम आसान हो जाता। फिर अब फ्रैंकलिन ने बोला कि अगर हम लोग लेट करेंगे तो कल रेसलर आ जाएगा, तो उसकी सिक्योरिटी और भी बढ़ जाएगी। तो भाई अभी हम चलते हैं भाई माइकल को लेके वो कार भाई वहाँ से चुराते हैं वहाँ से। चल भाई माइकल चलते हैं भाई कार के पास, कार वो चुरा लेते, देखते कौन सी भाई इतनी महंगी कार है कि वैल्यू $20 मिलियन है। तो ये भाई अपना मैट क्लीन करने में लगी हुई है, और चलते हैं भाई वहाँ पर सीधा अपनी वही पुरानी वाली कार लेके जाएंगे। और भाई जो टेरजो अपनी है यार, वो भाई ये बारिश भी होने लगी, क्या बताऊँ यार। अभी तो मौसम ठीक ठाक था, अचानक बारिश होने लगी। तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को होने, तो देखते हैं भाई वहाँ का माहौल। और उस यहाँ कुछ बताया था कि यहाँ पे उसका घर है, जो लोकेशन हमें फ्रेंडली ने बताई थी, तो शायद ये लोकेशन दी थी, इस हाउस की लोकेशन दी थी कि यही एक। देखो भाई काफ़ी बड़ा घर है उसका, देख लो भाई कितना बड़ा घर है भाई। बोला कि इसी लोकेशन पे जाना है, और यही उसका हाउस है, और वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी होगी, तो काफ़ी संभल के हम लोग को जाना पड़ेगा भाई वहाँ पे उसको चुराने के लिए। भाई चलते हैं और हम लोग वहाँ से देखते हैं कार को चुराते हैं, क्योंकि ये कार अपनी ले जाएंगे वो सस्ती वाली, कोई भाई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसको छोड़ के हमको वो कार लेके आई आनी है। और फिर देखते हैं कार को चुराते हैं भाई, और भाई बेच देंगे तो भाई यार अच्छा पैसा आ जाएगा। तो भाई अभी हम लोगों ने माइकल के पास भी पैसा नहीं है, सबको भी पता है, और फ्रैंकलिन भी इस टाइम पे, फ्रैंकलिन अपने ओल्ड वाले हाउस में रह रहा है, तो फ्रैंकलिन भी कोई घर खरीदना चाहता है, क्योंकि उसका ओल्ड हाउस काफ़ी मतलब अलग है। हम लोग फ्रैंकलिन सोच रहा कि मतलब पास पास में है हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो भाई उस एरिया में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमको कार चुराना है भाई। तो ये वाला हाउस है शायद, ये देखो भाई सिक्योरिटी कैसा लगी हुई है, देखो दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और ये ओ भाई साहब सही बताया था फ्रैंकलिन ने कि भाई सिक्योरिटी होगी, अच्छी खासी सिक्योरिटी होगी। तो और आगे देख लेते हैं, पूरा घर का राउंड मार लेते हैं क्या सिक्योरिटी है भाई। यहाँ भी खड़े हैं यार भाई, ये जब रेसलर है नहीं तो ये सिक्योरिटी है, जब रेसलर होता तो भाई काफ़ी सिक्योरिटी होती, क्योंकि भाई उसके काफ़ी फैंस चारों तरफ घूमने लगते हैं, और भाई काफ़ी उसकी अपनी सिक्योरिटी रहती है जो उसकी मेन सिक्योरिटी है उसकी। ये देखो यहाँ पे भी खड़ा है, यहाँ पे भाई एक ही पुलिस वाला खड़ा है, क्योंकि भाई छोटा सा गेट है। तो भाई अब क्या किया जाएगा, और राउंड मारते हैं यहाँ पे, समझे, एक और राउंड मार दे भाई यार, तोड़ो ना ज़्यादा। एक और ये गेट है, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, पर उस साइड पुलिस वाले हैं शायद, तो इस गेट से नहीं। हम लोग एक बार और राउंड मार के देखते हैं कैसा क्या माहौल है। तो यहाँ पे भी भाई काफ़ी बड़ा हाउस है, देख लो भाई काफ़ी लोग भी अंदर हैं। तो भाई अब क्या किया जाए, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि किसी अच्छे रास्ते से घुसा जाए जहाँ पे पुलिस वाले की नज़र ना हो। भाई यहाँ तो भाई काफ़ी खड़े हुए हैं, चार पांच पुलिस वाले, अगर मैं एक को मारूंगा ना भाई बाकी तो मुझे धो देंगे कायदे से। यहाँ भी दो हैं यार, इनसे भी नहीं भाई, मेरा
मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसा किया जाए कि जो वो लास्ट वाला खड़ा है पुलिस वाला, इसको भाई किसी चीज़ से नॉक किया जाए, मतलब किसी ऐसी चीज़ से नॉक किया जाए जो भाई मतलब इतना शोर ना हो, और ये अचानक मार के फिर इस गियर से हम लोग एंट्री करेंगे तो ज़्यादा आसान रहे पड़ेगा हम लोगों के लिए। तो भाई फ़िलहाल मैं इस टाइम पे यहाँ पे कार अपनी खड़ी कर देता हूँ यार, कार से उतर जाता हूँ और फिर इससे मारूँ। मैं सोच रहा हूँ यार कि ये ऐसी चीज़ से मारूँ यार, गन रख बे, गन रख तो ऐसी चीज़ अपने पास नहीं है, कोई बैट टाइप का हो जिससे मैं अचानक इसको मार दूँ यार, मारूँ यार चाकू से, भाई नाइफ से मार दूँ क्या, मगर इस साइड वो देख ना ले। मगर ये जो ये मैडम जा रही है इसी के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, और क्योंकि इसको अगर हम लोग गिरा देंगे मगर ये शोर ना मचा दे यार तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार, अगर ये शोर मचा दे कि इसको आगे जाने देते हैं फिलहाल। मगर यहाँ पे काफ़ी लोग हैं यार वो जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी इनको भनक पड़ेगा तो भाई ये वो हो जाएंगे एकदम। मगर मैं साइड साइड से चलता हूँ, ये पुलिस वाला इसका फोकस सामने ही है, मैं जितना किनारे से चल दूँ उतना अपने लिए बेहतर रहेगा। और इसको भी भाई, अरे एक मिनट, अचानक इसको फेलना पड़ेगा, ओ ले गए या ले, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब ये तो अलर्ट हो गए, 3 स्टार की पुलिस लगी, पता चल गया क्या इनको यार। हमें यार तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, अपने को इसी गेट से घुसना पड़ेगा, देखते हैं वहाँ कहाँ कहाँ पे पुलिस वाले हैं। भाई वो सब अलर्ट हो गए वो, अबे यार, अबे अबे मर बे, अबे ये ले और ये भी ले भाई, अब तो क्या करना है भाई, इनको मारना पड़ेगा। ये वो पीछे वाले ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और वो वाला पुलिस तो अलर्ट हो गया भाई, पुलिस भी आ चुकी है यहाँ पे। अबे हट बे भाई, ये देखो हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं भाई, अब क्या करा जाए। ऐसे करो कि एक मिनट, एक मिनट, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैं अपनी एक गन लेके सीधा चलता हूँ आगे। अबे चल आगे, चल आगे, चल भाई, सिंपल मंडा है भाई, उसको पता भी नहीं वो भाई, यहाँ पे इनको मारना पड़ेगा भाई। ये देखो यही कार भाई खड़ी हुई है भाई, यहाँ पे पुलिस ऊपर भी आ चुकी है भाई, एक मिनट भाई, इसको मारना पड़ेगा यार, एक मिनट, इस साइड पे पुलिस वाले कोई है तो नहीं, एक मिनट मैं कार लेके निकलता हूँ यहाँ से, सीधा कार लेके निकलता हूँ भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ये गया, ये भाई मैंने बेल दिया भाई, बस सीधा करूँगा कार में बैठो भाई, यहाँ से भाई कार में बैठ लिया हूँ, यहाँ से मैं निकलना पड़ेगा सीधा। ओ आराम से आराम से आराम से भाई, इसी साइड से निकल जाता हूँ भाई, इस साइड देखता हूँ शायद पुलिस वाले हैं कि नहीं। ओ भाई, ओ भाई तो खड़ा हुआ है यहाँ पे भी। अबे ये ले, ये ले, ये ले सर टकले भाई, इसको भी मारना पड़ेगा, इसको भी साले को मारना पड़ेगा। अबे हट बे, हट हट साले, और पुलिस वाले कहाँ पे हैं। अबे ये तीन तीन यहाँ पे गेट वाले, भाई गेट पे काफ़ी सिक्योरिटी थी, इनको मारूँ पहले यार। अबे तू निकल, अबे निकल बे, अबे हट बे ऑफिसर, हट जा हट जा, हट साले यार, भाई ये कार तो अपने हाथ में लग चुकी है। बे यार मैं कार की सत्या पीट रहा हूँ भाई, मेरे को भाई पुलिस वाले यार लगे हुए पे पूरे को, आराम से चलना भाई, और कार को सेफ्टी से ले जाना है, जितना भी डैमेज ना करे भाई। ये देखो भाई स्वेट शोल्डर की पूरी फोर्स आ चुकी है, मैं ये रास्ता पकड़ता हूँ भाई, ये रास्ता पकड़ता हूँ अगर निकलना है, क्योंकि भाई जितना हम लोग हाई लोकेशन पहुँच जाए उतना अपने लिए बेटर रहेगा। तो भाई फाइनली यार हम लोगों ने कार चुरा ली है यार, बहुत भाई, चलो भाई ज़्यादा रिस्क नहीं करना पड़ा भाजी। भाई साहब यहाँ तो भाई पूरी की पूरी फोर्स ही खड़ी हुई है, पूरा लॉक किए, पूरा पूरी रोड भाई लॉक किए हैं, बताओ भाई। चलो फिर बड़ा, आप तुम कहाँ पकड़ पाओगे अपने को, क्योंकि और भाई साहब ये पूरी स्वेट शोल्डर की टीम आ चुकी है यार। ये बे यार हट जाओ भाई, थोड़ा अंदर का रास्ता देने दो भाई, ये तो यहाँ पे भी ये कौन सी कार लेके जा रहा है। अबे हट बे भाई, ये रास्ते चलता हूँ शायद भाई, को अंडरग्राउंड टनल ढूंढनी पड़ेगी यार अपने को, वहीं अपना सेफ रास्ता रहेगा अपने लिए, नहीं तो भाई फंसेंगे बहुत बुरा, क्योंकि भाई पुलिस आगे भी खड़ी हुई है यार। ये देखो, ये देखो भाई काफ़ी लगाए हुए हैं, ओ हट जा। अबे भाई साहब, अबे ले स्पीडी हट जाओ यार, ले जाने दो कार भाई, क्या ही यार सिक्योरिटी लगाए रखे है भाई वहाँ पे यार रेसलर। हमें
अमेजिंग भाई यार, कितना हमें समझ रहा था कितना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो है नहीं ना घर पे, तो इतना फिर सिक्योरिटी नहीं होगी, मगर भाई काफ़ी भाई पुलिस वाले वहाँ पे थे, और भाई यहाँ पे भी पूरी रोड को जाम किए हुए हैं भाई। भाई कुछ हम शायद उस इलाके में आ गए शायद जहाँ पे कुछ टनल वनल का कुछ सिस्टम है। चलो तो भाई यहाँ से निकलो बस किसी तरह से, क्योंकि निकल जाएंगे भाई तभी ये कार अपनी हो पाएगी। कार भाई ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुई है, मैं इधर भाई हो रही है भाई डैमेज मैं कर रहा हूँ भाई। यार भाई ये जो आ गई भाई पुलिस की, भाई स्वेयर शोल्डर की पूरी गाड़ी है भाई, तो इनको ओ अबे भाई साहब भगाओ बे साले, पूरी वार लगाने वाले हैं यार हमारे कार की। यार भाई टनल का यार कुछ टनल का देखें, आराम से आराम से आराम से, अरे 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 अबे हट जा बे। अबे यार हमको समझ में नहीं आ रहा यार, ये तो ये रास्ता कौन सा कहाँ पे गया हुआ है। अबे यार यहाँ से जम करा देते, क्या रेल ट्रैक गया हुआ है क्या इस पे से, ये रोड गई हुई है भाई। यार अपने को यार कोई देख लेते हैं, इस साइड चलते हैं एक मिनट, इस साइड हमको लगता है कोई है नीचे भाई। भाई नीचे तो ट्रैक दिख रही है यार अपने को, मगर कोई नीचे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आगे से चलते हैं थोड़ा से भाई, एक यहाँ पे एक मिनट कुछ मिला अपने को। ओ भाई ये हेलीकॉप्टर वाले तो और मर रहे जा रहे हैं, अबे तुमको साले मारे, रुको 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 नहीं साले तुमको मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरोगे। अबे भाई भाई अबे यार मारने का मतलब ये नहीं कि मैंने बोला कि यार इस पे चढ़ा दो तुम, और वो पूरी टीम आ रही है भाई साहब, बचो यार यहाँ से भाई, नीचे ले चलते हैं शायद इस यहाँ से कुछ टनल का दिख जाए। ओ आराम से भाई, मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं ला रहा हूँ कि यार अपनी कार बच जाए यार, वह सीधी हो जाओ भाई, मगर फिर भी काफ़ी यार डैमेज हो चुकी है कार। टायर देखो भाई काफ़ी फट चुके हैं इसके टायर, तो भाई थोड़ा आगे चलते हैं अगर कुछ मिल जाता है यहाँ से। भाई इस साइड में आ जाता हूँ मैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं भाई शायद तो टनल है कोई, अगर दिख गई तो अपने लिए बेहतर हो जाएगा ज़्यादातर। ओ भाई आराम से, अबे उड़ाओ मत ना, उड़ाओ ना ओ अबे भाई रोक दी भाई काफ़ी उससे कार रोक दी। और भाई इस साइड देखो ये पुलिस वाले आ चुके हैं यार, तो वो साले तुमको बताते हैं, तुम साले नीचे आओगे अबे ले लो साले, तुम नीचे आओगे नीचे से मारोगे। अबे उस साइड से यार कहाँ से टपक पड़े यार। ओ भाई ये देखो सब आ गए, ये देखो भाई क्या ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये सब। अबे वो साले तुम ये देखो, ये भाई इसको पेल दिया मैंने, चलो ये रास्ता क्लियर हो गया। भाई मैं कौन से रास्ते पे आ रहा हूँ भाई, हट जाओ यार तुम लोग। ओ ओ ओ आराम से ओ यार, अरे 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 आराम से भाई, यहाँ स्लिप कर रही है कार अपनी, तो और भाई नीचे चलना पड़ेगा यार अपने को, अगर पुलिस वाले से बचना है। पुलिस वाले अबे यार के तो अपना काफ़ी पंगा हो चुका है इस साइड से यार। ओ ओ आराम से निकल जा भाई इस साइड चलते हैं, शायद कोई टनल अपने को मिल जाए, नहीं तो फिर पूरा मामला ख़राब हो जाएगा फिर, समझ रहे हो फिर। भाई चल तो काफ़ी स्पीड में रही है भाई, पता है आवाज़ तो बिल्कुल भी इसकी नहीं मालूम पड़ रही इस कार की। ओ आराम से भाई, अरे यार मैं किधर ठोक रहा हूँ यार। भाई पुलिस का शायद यहाँ पे नहीं कुछ लफड़ा, एक मिनट खड़े हो जाए, यहाँ पे कोई पुलिस वाला दिख नहीं रहा है, अगर यहाँ से बच गए तो और बढ़िया रहेगा अपने लिए। रुको एक मिनट, अपने लिए एक और मिल गया है, आ तो नहीं रहा पुलिस वाला शायद। वो देखो भाई एक चौपर आ रहा है, रुको साले इसको मारेंगे इसको इसी पे बैठ के मारेंगे साले को, रुको साले। और भाई पुलिस वाले तो नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे, खाली ऊपर एक चौपर नज़र आ रहा है ये। अबे रुको साले तुम, ये गया भागते गाँव भाई, भागो ना साले। अबे पूरा चौपर ही उड़ा दिया भाई, पूरा चौपर। ओ भाई ये कार तो आ चुकी पानी में। अबे रुको साले तुमको आज हम मारते हैं कायदे से। ये कहाँ आ रहे हो भाई, ये कहाँ से आ रहे हैं साले, ये देखो भाई उस पर से नीचे आ रहे हैं ये भाई। और कहाँ एक चौपर गया भाई, अभी एक ये देखो खड़ा हुआ है भाई। अबे इसको गिराएं यार किसी तरह से। और भाई पानी में पुलिस वाले सब आ रहे हैं भाई, ये देखो अबे तुम रुको साले, तुम भागते कहाँ यार। अबे ये यहाँ पे देखो कैसे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। अबे यहाँ निकल बाहर निकल। अबे मेरे जंप कर रहा था साला मेरे ऊपर। अबे जा बे भाई, काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है कार यार यहाँ पे, इनको भाई मारना पड़ेगा, नहीं तो टनल में घुस गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अबे रुको तुम साले तुम कहाँ भागो, पानी के अंदर मारोगे। और ये इसको साले को मारें यहाँ से बैठा, ये देखो ये नीचे चल।
रुको अब इनको हम बता ही दे कायदे से, रुको कायदे से बता ही दे इनको, इनको रुको 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 इनको इनको हम बता ही दे कायदे से। ये लो साले तुम रुको 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 भाई, इनको मारना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। ये लो साले तुम रुको 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 भागो कहने नहीं, तुम समझ रहे हो कि मतलब डरते हैं, इतना भी नहीं डरते हैं। वो भाई उसको देखो कैसा बचा रहा है उसको, बकर भाई देखो क्या यार तो वो बचा रहा है, पानी से निकाल रहा है। ओ भाई साहब, भाई चॉपर को भाई इनको ज़्यादा मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता यार, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाग 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 मेरे भाई, निकल 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 और चॉपर को यार ऊपर उड़ा दें, क्योंकि यार ये बहुत देर से नाच रहा है यार। अबे कहाँ रुक जाओ यार तुम, ये गया, ओ भाई साहब ये गया 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 गया, इस साइड आ जा, इस साइड आ जा, इस साइड आ जा। अबे तुम ये लो साले, बस भागो यार भागो भागो भागो, इसको रखो जेब में और यहाँ इसको बैठ 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 कार पे बैठ, कार में बैठ जल्दी बैठ, अब निकलो यहाँ से, निकलो निकलो अगर बचना है, नहीं तो फिर कार की तो फिर बैंड बजा दी तो अच्छा हो जाएगी। ये कौन सी टनल गई है यार, तो कोई एक्सकेट इस रास्ते से निकलते हैं हम लोग, ये कौन सी गई है यार। अरे भाई तो अबे रुको एक मिनट इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं और इस ट्रैक को पकड़ते हैं। अरे ट्रैक गया तो गया कहाँ यार, रुको एक मिनट मैं ट्रैक पे जाता हूँ, इस साइड जाता हूँ, शायद इस साइड थोड़ा वो काम हो आसान हो जाए शायद, अगर कोई अंडरग्राउंड टनल मिल गई अपने को। भाई ये तो एक और अंडरग्राउंड गई हुई है, तो भाई फाइनली यार मिल गए यार, चलो बस बस अब यहाँ नहीं तो इनको साले को मारेंगे जरूर। कहाँ गया बे, कहाँ गया साले, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा साले तुम लोग आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आ रहे हो, भाग कहाँ आ रहे हो बे। अबे ये लो ये लो ये लो, नीचे जाओ, हाँ नीचे जाओ नीचे जाओ थोड़ा, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कहाँ आ गए बे, हाँ ये पूरी टीम आ चुकी है भाई, ये देखो भाई ये देखो यार। अबे हटो साले हटो तुम लोग, अबे यार ये स्वेयर शोल्डर, बस बस अबे भाई साहब इसी के साथ निकल लेते हैं हम भी, इसी के साथ हम भी निकल लेते हैं, मगर एक मिनट पीछे भी चलते हैं, नहीं तो ये चपाती बना देगी अपनी। ओ आराम से आराम से आराम से, यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ा, हो सकता है पुलिस यहाँ पे ना आए, मगर ये साले आ रहे हैं बे, बड़े हराम बहुत हराम खोर हैं साले, ये बहुत हराम खोर हैं, ये आ रहे हैं साले, छोड़ेंगे नहीं, बहुत कमीने हैं साले। भाई वो वहाँ पे रुक चुके हैं, एक मिनट को आओ साले तुम, आओ 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 आओ, कार में ना अपनी ठुके, बस कार में ना ठुके ना साले, मार डालेंगे तुमको हम। ओ भाई साहब ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा डेंजर आ गए बे, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको एक मिनट, हाँ ये लो ये और आगे थोड़ा आओ बे, ये लो साले, अबे एक और लो, मिला ओ भाई साहब ये तो भाई गन निकालनी पड़ेगी भाई, अबे 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 भगा 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 भगा, अरे साला ये बाहर निकाल लेगा। अबे भाई ये हटो साले हटो, अबे आराम से चलो भाई आराम से आराम से, नहीं तो कोई अगर यहाँ गलत ट्रैक पे अगर कोई रेल आ गई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब इनको भागना पड़ेगा यार भाई, क्या ही खतरनाक हो चुके हैं यार पुलिस वाले, भाई अंदर तक घुस चले आए भाई। बस अब क्या करूँ मैं, ट्रैक को फॉलो करता हूँ तभी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, पुलिस वाले तो फिर जाएंगे नहीं, जब तक अपने को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक जाएंगे नहीं। तो प्रॉब्लम को दूर भगाने का एक ही रास्ता है कि भाई इस ट्रैक को फॉलो करते ही कोई अंडरग्राउंड टनल मिल जाए तो भाई वहाँ हम लोग काफ़ी। ओ भाई साहब अभी बचे थे, अभी गए थे अभी गए थे, ज़्यादा अगर स्पीड होती ना तो भाई ये इतना लंबा शॉट मारती क्या ही बताता मैं आपको। अब भाई ये कौन सी टनल गई है, वो ज़्यादा तक अंदर तक फॉलो करते हैं तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमको लगता है। भाई पुलिस वाले तो ऊपर राउंड लगा रहे हैं इस टनल के ऊपर, भाई पुलिस वाले और चॉपर भाई तो वो राउंड लगा रहे हैं भाई, अब क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर रुक जाऊँगा तो थोड़ा शायद ये लोग निकल जाएँ, क्योंकि भाई स्टार ब्लिंक हो रहे हैं तो शायद बस यहाँ पे कोई रेल या ट्रेन या वो ट्रैम ना आ जाए यार भाई, नहीं तो यार अपनी कार के लिए दिक्कत हो जाएगी। बस थोड़ा मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, मगर थोड़ा आगे नहीं चलना है अपने को, बैक करना है। तो यार मैं ही इसकी वाट लगा रहा हूँ तो क्या है फिर भाई, जब यहाँ से सारे स्टार हट जाएंगे तभी निकलेंगे, क्योंकि भाई भाई देख रहे हो भाई इस पे मैप में देखो भाई काफ़ी ज़्यादा भाई रेडियस में टहल रहे हैं भाई,
और भाई ट्रैक कर रहे हैं देखो कैसा भाई। अब यहीं पे अपने को खड़े रहना पड़ेगा तभी प्रॉब्लम दूर होगी। थोड़ा आगे तक चलते हैं क्योंकि भाई ये भी अपने को देखना है कि कोई ट्रेन या ट्रेन ना आए तो फिर उस हिसाब से अपना ट्रैक बदलना है, नहीं तो उसके ट्रैक पे आ गया तो भाई वो जिस तरह से शॉट मारेगी ना या सिक्सर ही होगा और इस कार की तो भाई वाट हो जाएगी कायदे से, फिर ये पापड़ बन जाएगी एकदम भाई। तो यार यार काफ़ी खुशी की बात है भाई अपनी, क्योंकि भाई स्टार हट चुके हैं तो हम लोग फ्री हो चुके हैं भाई। और कार के भाई अपने टायर देखो कैसा फट चुके हैं, तो इसको बाहर निकालते हैं फिर चलते हैं यार वहाँ पे कस्टम पे, और जो थोड़ा बहुत पैसा अपने पास है तो भाई इसको हम क्या हुआ। अबे भाई मैं डर ही गया था, मैं समझता यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं इस तरह आप लोग चिल्लाने लगे। बच चुके हैं हम लोग यहाँ से, बस अपने को कस्टम पे जाना है। मिनट इसे चलते हैं यहीं पे कस्टम पे चलते हैं इसी रास्ते से, ये थोड़ी दूर पे है भाई देख लो यार क्या कदम। फिलहाल इतना डैमेज नहीं हुई है अपनी कार, नहीं तो यार काफ़ी ये लोग बैंड बजा देते हैं अपने कार की। तो यार अपने कौन सा रास्ता जाना है अपने को, एक मिनट मार्क कर लेता हूँ नहीं तो भटकता रहूँगा मैं। ये चलना है अपने को, राइट लेना है इसी रोड को, रोड पे चलना है थोड़ा आगे शायद कस्टम है। मैं रॉन्ग वे चल रहा हूँ क्या भाई, ये कैसी कार है भाई, इसकी थोड़ा सा भी साउंड नहीं आ रहा, बस एकदम हल्का सा सी टाइप का साउंड ये कर रही है बस, बाकी काफ़ी अच्छा चल रही है भाई। मगर भाई ये इसकी बैंड बच चुकी है, अगर इसको ज़्यादा पेमेंट ना लगे, क्योंकि अगर अपने पास इतना पेमेंट नहीं है तो इस सही से हम यहाँ पे लेफ्ट लेते हैं भाई। सीधा मिलता हूँ मैं आपको, इस कार को मैं भगाते भगाते ले जाता हूँ किसी तरह, और फिर वहाँ पे मिलते हैं सीधा कस्टम पे रिपेयर कराने के बाद। तो भाई कार को सीधा मैं भगाते भगाते ले आया हूँ लॉस सैंटोस कस्टम पे, तो भाई बस आ चुके हैं भाई, देख लो क्या ही चल रही है अपनी कार। ओ आराम से मारना है भाई, तो भाई इसको रिपेयर करा देते हैं फटाफट भाई, खुल जा गेट भाई, अपनी कार ये टूटी फाटी आ चुकी है। हो सो फाइनली अपनी कार आ चुकी है यार, अब इसको रिपेयर कराते हैं। सो भाई फाइनली यार रिपेयर करा लिए कार, ज़्यादा पैसे नहीं लगे, थोड़े बहुत लगे भाई, वो अपना हो गए रिपेयरिंग। तो भाई अपने टायर वायर सही हो चुके हैं जो फटफट गए थे, और फिर ये ऐसी ये कार है। इसका कलर मैंने चेंज नहीं कराया कि भाई फ्रैंकलिन से बिना पूछे कुछ करना नहीं, क्योंकि भाई उसी ने बोला था, तो भाई किसको क्या बेचेगा, क्योंकि यार कार ये अच्छी अपने को लग रही है मगर अपने को खास नहीं, क्योंकि अपने को इस टाइम पे पैसे की ज़रूरत है, तो फिर यार अपनी जो नॉर्मल कार है उसी को चलाएंगे यार। तो एक मिनट आराम से चलना भाई है अपने को, आराम से घर पे चलना है, तो घर पे पार्क करके भाई चलते हैं, वो अपनी वाली कार उठा लाते हैं यार। तो मैं जिम्मी को कॉल करके बोल देता हूँ कि भाई जिम्मी जाके वहाँ से उस लोकेशन से कार उठा के लेके आ जा। तो भाई जिम्मी को मैं कॉल कर देता हूँ, एक सेकेंड मैं जिम्मी को बैक करके, एक मिनट जिम्मी कॉन्टैक्ट, तो जिम्मी की वेयर है जिम्मी, हाँ जिम्मी, तो जिम्मी भाई वो कार लेके चला आएगा, तो जिम्मी को मैंने बोल दिया है। तो जिम्मी बोला था कि मैं उसी वे में हूँ, उसी एरिया में हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं अभी जाके तुरंत ये कार को उठा ले जाता हूँ और ला के घर पे पार्क कर देता हूँ भाई। चलते हैं घर पे, चलते हैं सीधा, और क्या करते हैं को फोकस, इसी रोज चलते हैं इसी रास्ते से भाई। क्या ही ट्रैफिक है यहाँ पे यार, इतना भाई साहब बच गए यार, बच गए, नहीं तो बच जाते अभी हम। आराम से भाई यहाँ से निकालना यार, थोड़ा सा भी टच ना होना चाहिए यार। हाँ चलो भाई हो गया, तो ये निकल गए भाई। कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लग रहा यार लॉस एंजेलिस में इस टाइम पे यार, यहाँ पे मेरे को कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यार भाई, खुल के मैं गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई बस अपने कार को यार भगाना है, अब सीधा भगाना है। आराम से बच गए भाई, आराम से चलना यार किसी तरह का, ओ आराम से। तो भाई फाइनली यार आ चुके हैं अपने घर पे, और जिम्मी का फ़ोन आया था, जिम्मी बोला कि कार मैंने ला के पार्क कर दी घर पे। ओ आराम से यार, आराम से चलना है भाई, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। और टैक्सी वाले रुक जा टैक्सी वाले साले, अगर ठुक जाती तेरे को बताता अभी मैं। तो यार भाई यार पुलिस से पीछा छुड़ा के यार फाइनली हम लोगों ने कार चुरा ही ली यार, तो थैंक यू यार माइकल भाई अपना यार, खतरनाक ही है यार एकदम, थैंक यू बोलना चाहिए यार अपने माइकल को।
तो भाई यहाँ पार्क कर देते हैं। और फ्रैंक तो भाई साहब अब फ्रैंकलिन को भाई कहाँ चढ़ रहा है यार। तो एक मिनट फ्रैंकलिन को कॉल करके बता देते कि भाई वो फाइनली यार हम लोगों ने कार चुरा ली है यार। सो भाई फ्रैंकलिन से अपनी बात हो चुकी है। भाई फ्रैंकलिन ने बोला कोई बहुत अच्छी बात है यार, बहुत काफ़ी एक्साइटेड था फ्रैंकलिन और काफ़ी खुश हुआ फ्रैंकलिन भाई। तो ये चुरा लिए भाई, अब फ्रैंकलिन आने वाला है कल, शायद फ्रैंकलिन आ जाएगा। तो फ्रैंकलिन भाई बात कर रहा है आगे जो भी इसके और जानने वाले हैं कि भाई किसको ये कार सेल की जाए, क्योंकि पैसा चाहिए अपने को भी, कार फिलहाल नहीं चाहिए यार। और भाई वो अपनी टेर जो थी यार, वो जिमी यार अपने फ्रेंड को दिया था है भाई, उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड है, कभी किसी को दिया था कभी किसी को दिया था। तो मैं आज बोलूँगा भाई जिमी को कि भाई वो कार लेके आ भाई, मैंने काफ़ी पैसा लगाया उस कार में और अपने लिए ख़रीदी थी भाई, मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ यार, कसम से अपनी घटिया सी कार चला रहा हूँ जो ला के अभी जिमी ने पार्क की है यहाँ पे। सो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही भाई। अगर वीडियो भाई अच्छा लगा हो यार तो वीडियो को लाइक करो यार, और भाई बताओ यार कार ये कार कैसी लगी यार अपने को यार। ऐसी कभी कार पैसा जब अपने पास आएगा तो सोचेंगे ऐसी कोई कार खरीदेंगे यार, अच्छी से अच्छी कार खरीदेंगे, और भाई फरारी टाइप या लैम्बोर्गिनी टाइप खरीदेंगे कार। तो भाई अगर बताओ भाई और क्या करना चाहिए अपने को गेम में। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई एक बात और है भाई, अगर भाई कोई नया हो तो भाई देख रहा हो वीडियो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार भाई, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में आपको पता है काफ़ी मेहनत लगती है यार, और भाई आप ही लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।